दोस्तों इस वक्त नागौर बनाम दुदू के बीच खेल शुरू होता हुआ सुपर लीग का ये बेहतरीन मुकाबला। दुदू इस समय पहले रेड के ऊपर माना चले हैं स्टार रेडर, पिछले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं। बड़ा मुकाबला इस समय नागौर के सामने, कठिन चुनौती, क्योंकि पिछली बार की चैंपियन या यूं कहें कि डिफेंडिंग चैंपियन दुदू बनाम नागौर इस समय 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में रायसिंह नगर कंपलसरी अनूपगढ़ की तरणताल से मैं गजानंद पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन। सात का डिफेंस, नौ नंबर में इस वक्त कोमल गुजर खाली हाथ ही वापस गुजरी बगैर किसी पॉइंट और बोनस के। एम नागौर तीन नंबर से पहले पॉइंट की प्रतीक्षा, इधर भी सात का डिफेंस। कल श्री गंगानगर के सामने बेहद रोमांचक मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन यहाँ बड़ी रेड के साथ शुरुआत करता इसमें नागौर, डबल पॉइंट के साथ शुरुआत मिलती हुई इसमें नागौर को। लेकिन अब सीमा चली है, सीमा चौधरी 12 नंबर से प्रयासरत है, क्योंकि कोमल माफ कीजिए मैना बाहर है, इसलिए सीमा का आगे बढ़ना स्वाभाविक। मैना सबसे सफल रेडर हैं इस टूर्नामेंट में, उसके बाद सीमा गुजर, कोमल गुजर और कोमल चौधरी। बोनस से ओपनिंग अकाउंट दो नागौर फिर से तीन नंबर में, पांच का डिफेंस। शुरुआती समय बिताना कोई ज्यादा समझ नहीं आता। पीएम श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसिंह नगर, शिलाजी चौधरी का इशारा, टच पॉइंट आता हुआ दुदू की दरिया में। अब वापस मजबूत दुदू, स्कोर 2-2 से बराबर। बोनस बचाने की कोशिश होगी, घुटने पे चोट है इस बालिका के देखेगा, लेकिन उसके बावजूद मैच में कंटिन्यू बने हुए। अब कोमल गुजर चली हैं फिर नौ नंबर पहचान संख्या। कल जो देर शाम खेला गया था गंगानगर के साथ मुकाबला, बेहद रोमांचक मैच था, जीत दर्ज की फिर से शिलाजी चौधरी का इशारा आता हुआ दुदू के पक्ष में, टच पॉइंट। बढ़त पे अब दुदू, शायद दूध पी के आए हैं दुदू की बालिकाएं। होनार प्रतिभावान, टॉकस कॉर्नर पे बिल्कुल सही, राइट लेग से बायां पर छूते हुए पॉइंटर जीत किया नागौर भी कम नहीं। और यहां पहली बार बेहतरीन डिफेंस, सात नंबर देखे दीवार बनाने की कोशिश, सफलता। बेहद रोमांचक होता मैच इस मैच के अंपायर शिलाजी चौधरी और उनके साथ उनके सहयोगी, जबकि मैच रेफरी के रूप में मोहम्मद जी तफेल, जिन्होंने हाल ही में अंडर 17 और अंडर 19 छात्रा वर्ग का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कराया था रावला मंडी अनूपगढ़ में, जो कि ऑर्गेनाइजर के रूप में थे, और बेहतरीन यादगार ऐतिहासिक सफल टूर्नामेंट था वो। व्यवस्थाओं को लेकर सभी के चर्चे, सभी की जुबान पे। यहाँ बोनस नहीं, टच पॉइंट आता हुआ। तो एक बार दुदू की तरफ पॉइंट मिल रहा, तो एक बार बीकानेर की दस नंबर में इस वक्त है बीकानेर, माफ कीजिए नागौर बनाम दुदू, बेहतरीन मुकाबला। अब 11 नंबर में मैना आ गई है, एक तरफ नागौर दूसरी तरफ मैना, बोलो है ना दुदू। प्रबल दावेदारी टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन, पिछली बार की विजेता अंडर 14 में, और केएल कबड्डी एकेडमी है जो दुदू में, वहां अभ्यास करती हैं कोच राकेश जी शर्मा के नेतृत्व में। क्या बेहतरीन प्रशिक्षण के बाद यहां टीम खेलने पहुंची है, तो ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से एकेडमी का कितना फायदा मिलता है। शिलाजी चौधरी का इशारा, बोनस से फायदा मिलता हुआ बीकानेर नागौर को, माफ कीजिए नागौर बनाम दुदू आमने सामने। 12 नंबर में इस वक्त सीमा, थाई पे अटैक, जबरदस्त पकड़, फिर से बेहद रोमांच होता मैच। 6 पे पहुंचता नागौर जबकि 4 पे दुदू, दो अंक पीछे,
लेकिन रोमांस अंतिम समय तक दिखाई देगा। सुपर लीग सुपर एट के ये बेहतरीन मुकाबले एक से बढ़कर एक, जिसका आनंद आप इस बेहतरीन कवरेज के साथ उठा रहे हैं। लॉबी में गई, नियंत्रण खोया, पॉइंट गंवाता इस समय दो-दो। उपहार के रूप में बीकानेर को फायदा मिलता हुआ नागौर की नगरी में सातवां पॉइंट। अब 3 अंक की बढ़त आ चुकी है नागौर के नगीने में, लेकिन दो दो पलटवार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा शायद। कोच राकेश जी शर्मा यहाँ हिदायत देते हुए टीम को, जो कि बेहतरीन शारीरिक शिक्षक उतने बेहतरीन प्रशिक्षक माने जाते हैं, जो केएल कबड्डी एकेडमी दूदू में प्रशिक्षण देते हैं। एक बेहतरीन टीम तैयार की है उन्होंने और हर मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए साबित किया है कि दूदू की शीशे कम नहीं, पिछली बार की चैंपियन दूदू। अंदर की तरफ खेल स्कोरर के पीछे टाइम आउट के बाद पुनः स्टार्ट लेता हुआ 8 नंबर में इस वक्त कोमल चौधरी। देखते हैं कोमल का कमाल कितना कारगर साबित होता है। टोटस की कोशिश की गई है, जी हाँ, 5वां पॉइंट इस समय दूदू की दौलत में। 3 नंबर से नागौर, खाली हाथ ही वापस कमबैक किया, लेकिन गुजर देखी इस समय कोमल स्टार राइडर चैन को तोड़ने की कोशिश, मगर नागौर में फंसती इस समय दूदू की राइडर। 8 पे पहुंचता हुआ नागौर, 8-5 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त अभी भी नागौर की झोली में। समय जाया किया, सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 पॉइंट आगे भी है नागौर अभी दूदू से, उसी का फायदा उठाना चाह रहा है ताकि प्रेशर में बनाया जाए, साइकोलॉजी चेंज करने की कोशिश। लेकिन ये दूदू है, कोमल चौधरी समय गिरफ्त में है, शिलाजी चौधरी का इशारा था वह डिफेंस की बदौलत है। नागौर के नगीने में एक और बेशकीमती हीरा, प्यास बुझाने के लिए पियो ठंडा जलजीरा। फिर से वही अंदाज, 26 सेकंड समय गुजारने के बाद वापस लौटी। 9 पे पहुंच चुका है नागौर, जबकि दूदू है 5 पे, प्रयासरत इस वक्त 3 नंबर में दूदू की उदयमान खिलाड़ी। थाई पे अटैक, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गई, बड़ी देर से स्कोर में इजाफा, 6 पे पहुंचता हुआ 6-9 का स्कोर, ज़्यादा पीछे नहीं है, सुपर टेकल से भी बाहर आया इस सफल रन के साथ। टाइम आउट का इशारा मोहम्मद जी तफेल के द्वारा दूदू का, क्या मार्गदर्शन रहे होंगे राकेश जी शर्मा के, जो कि दूदू के कोच हैं, केएल कबड्डी एकेडमी में बेहतरीन प्रशिक्षण देते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है अंडर 14 में दूदू छात्रावर्ग में, क्या फिर से इतिहास दोहरा पाएगी। यहां धक्का दिया बाहर धकेला, प्रयास जरूर बेहतरीन था, मगर नागौर को सफलता मिलते भी नागौर गोज टू इन डबल फिगर। 10-6 का स्कोर, 4 अंक की बढ़त अब नागौर की झोली में। 26 सेकंड फिर से गुजारे, टाइम आउट नागौर। टीम की कोच इस समय देखे सही टिप्स दिए जा रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले ही नागौर ने दूदू ने टाइम आउट लिया, तो उस समय कोचिंग दी जा सकती थी, लेकिन इसमें टाइम आउट लेकर फिर से हिदायत। शिलाजी चौधरी जो कि इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका में, उनके साथ उनके सहयोगी और मैच रेफरी के रूप में मोहम्मद जी तफेल, जिन्होंने हाल ही में 17 और 19 वर्षीय छात्रावर्ग का राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट करवाया था रावला मंडी अनूपगढ़ में, गजब की बेहतरीन मेजबानी और ऐतिहासिक सफल टूर्नामेंट, जो उत्तम व्यवस्थाओं को लेकर सभी के जुबान पे चर्चे थे। अच्छा नियंत्रण लॉबी में जाने से बची। फर्स्ट हाफ का खेल बिल्कुल समय के नज़दीक, सुपर टेकल ऑन काफ़ी देर से, फिर से समय बिताने की चाहत है
मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़ाने की कोशिश, जबकि दूध अब तक थोड़ा सा प्रेशर में, और ये साबित किया कि दूध ने पहले कल श्री गंगानगर को हराया था। शाम अंतिम मैच जो था और लॉबी में जाते हुए यह पॉइंट गवाया कि क्या टच पॉइंट मिलना चाहिए। जी हाँ, रेडर सफल है, 7 पे पहुँचता वाइस समय, 7-10 3 अंक पीछे है सिर्फ दूध सुपर टेकल से बाहर निकलता। फिर से 26 सेकंड का समय गुजार कर वापस लौटी थी नागौर की रेडर। फर्स्ट हाफ का खेल अब ज़्यादा शेष नहीं, लेकिन दोनों टीमें विशेष ज़रूर हैं इस टूर्नामेंट में, नागौर हो या फिर दूध जहाँ एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन, वहीं नागौर की टीम भी काफ़ी मजबूत प्रबल दावेदार टूर्नामेंट में। सुपर लीग मुकाबला कल का पेंडिंग मैच, मैदान संख्या 1 पर दूध वर्सेस केकड़ी, मैदान संख्या 7, मैदान 26 सेकंड का समय गुजारा और मैं ना चले हैं एक बार फिर से सफल, देखते कितने रहते हैं। 10-7 का स्कोर काफ़ी देर से, रोमांचक मैच इसलिए स्कोर बड़ा नहीं होगा, टाइट है मुकाबला, चारों दिशाओं से घेरता इस समय, ज़्यादा आगे चली गई, समय ज़्यादा गुजारा। शिलाजी चौधरी का फिर से इशारा तबा पॉइंट नागौर के नगीने में, बेशकीमती 1-11, जबकि 7 पे रुका हुआ है बोनस। सुपर टेकल ऑन है इस वक्त, और यहाँ सुपर टेकल से नियंत्रण करने की कोशिश, मगर 2 पॉइंट गंवाई है फिर 3, देखते हैं। ऑफिशियल टाइम आउट मंत्रणा तमाम ऑफिशियल्स के बीच, ऑल आउट के साथ ही 5 पॉइंट का इशारा देखे शिलाजी चौधरी, बहुत बेहतरीन NIS कोच, उतनी शानदार शारीरिक शिक्षिका, पारदर्शिता के साथ बगैर किसी भेदभाव के अहम भूमिका में इस समय, क्योंकि अंपायर के लिए दोनों टीमें बराबर, जितना पारदर्शिता के साथ आप ऑफ सेटिंग करते खेल का उतना शानदार मजा है। लक्ष्य तक पहुंचते भी 8वां पॉइंट, लेकिन 16 पे पहुंच चुका है पहले ही नागौर, 16-8 का स्कोर, दुगना स्कोर इस समय नागौर के पास। बोनस की कोशिश की गई है, निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। हाफ टाइम का समय इसके साथ ही, बोनस अर्जित किया था अंतिम रेड से नागौर ने, इसलिए 17-8 का स्कोर। ये मोहम्मद जीता फेल का इशारा, सेकंड हाफ शुरू होता हुआ 17-8 के साथ है 9 अंक की बढ़त इस समय नागौर के पास। क्या वापसी कर पाएगा दूध, देखते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है 14 वर्षीय छात्रावर्ग में, लेकिन नागौर के सामने वापसी कतई आसान नहीं होगा। इसमें 3 नंबर से चौधरी सेफ ही वापस आ रही है, अब दूध रेड पे मैना, टीम की रीड सबसे सफल रेडर, और खासकर जो पिछले मैच में श्री गंगानगर के साथ खेल दिखाया था वो देखने लायक था। बोनस की कोशिश गई, मगर सेफ ही वापस से कुछ डाउट है। शिलाजी चौधरी तमाम ऑफिशियल से मोहम्मद जी तफेल, टच पॉइंट इस समय जाता हुआ दूदू की दरिया में। जी हाँ, दूसरे हाफ में पहला पॉइंट, तीन नंबर में इस वक्त कोमल, एक बार फिर कोमल चौधरी, 9-17 का स्कोर, 8 अंक अभी भी पीछे, आगे ज़्यादा चले गए हैं। लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन देर हो चुकी है, रेडर आउट। 18-9 का स्कोर, फिर से दूध रेड पे प्रयास एक बार फिर से, यह धक्का दिया बाहर धकेल कर, बेहतरीन डिफेंस की बदौलत पॉइंट अर्जित करता हुआ दूध, एक बार फिर से सुपर टेकल ऑन है, फायदा उठाना चाहिए दूध को, ये काफ़ी क्रूशियल टाइम वापसी का, अच्छा अवसर है, जबरदस्त डिफेंस है। अब दूध वापस मैच में धीरे धीरे ऑल आउट की तरफ बढ़ेगा, अब मैं ना बोलो है ना दूध डिफेंडिंग चैंपियन, सुपर टेकल ऑन, इकलौती डिफेंडर, आसान अवसर, और नोगा नागौर को पहली बार ऑल आउट करता हुआ दूध, जबरदस्त डिफेंस हो सकता है, अच्छा नियंत्रण है, बेहतरीन कंट्रोल, रेडर आउट होना चाहिए,
निर्णय की प्रतीक्षा शिलाजी चौधरी और तमाम ऑफिशियल्स मैच रेफरी, देखते हैं कितना फायदा मिलता। जी हाँ, रेड आउट, बिल्कुल सही फैसला दाद देनी होगी चौधरी की इस डिसीजन को लेकर। सत्रह 19 का स्कोर, सिर्फ दो अंक की बढ़त नागौर के पास है। वापसी तो की है, लेकिन अब देखते हैं कितना आगे जाता है नागौर या फिर दो बढ़त बनाता। सेकेंड हाफ का खेल कोमल गुजर चले, नौ नंबर पहचान संख्या से डी लाइन को छूकर वापस यूं गए और यूं आए। पद्मावती चली है इस वक्त 10 नंबर में, दबाव बनाने में कुछ हद तक कामयाब रहा। सेकंड हाफ में ऑल आउट किया, ऑल आउट का हिसाब बराबर किया, मैच में वापस लौटा। थोड़ा सा पीछे दो केएल कबड्डी एकेडमी दो में अभ्यास करती हैं ओनर बालिकाएं, जिनके कोच गुरु के रूप में राकेश जी शर्मा बेहतरीन प्रशिक्षक, शानदार कोच, और उन्हीं के मार्गदर्शन में दो पिछली बार यहां चैंपियन बना था अंडर 14 राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट में। क्या खिताब बरकरार रख पाएगा? लक्ष्य की तरफ पहुंचते हुए बड़ी रेड, सिंगल पॉइंट ही सही, स्कोर में इजाफा। रोमांचित होता हुआ मुकाबला, मैना फिर से 11 नंबर पहचान संख्या से मैना सेफ ही वापस लौटी। पद्मावती 10 नंबर पहचान, 6 का डिफेंस, बोनस ऑन, खामोशी वापस। कोमल गुजर फिर से प्रयासरत, समय गुजारता नागौर बढ़त को मद्देनजर रखते हुए कोमल को ही भेजा गया वापस। कोमल गुजर हो या कोमल चौधरी या फिर मैना सीमा, अच्छी खिलाड़ियां नजर आ रही हैं दोनों ही टीम में। देखते हैं कॉर्नर के ऊपर 18 नंबर से अपने आप को सेफ बने पद्मावती। एक अच्छा डिफेंस चाहिए ताकि दबाव बनाया जा सके, या फिर अच्छी रेड। अभी भी बढ़त नागौर की, 68वां राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 धक्का देकर बाहर। देखेल अच्छा पुश यहाँ, और शैला जी चौधरी देखे लगातार अपने नैसर्गिक अंदाज से इशारों की बांधगी के साथ खेल की खूबसूरती बढ़ाती हुई, और उनके साथ मैच रेफरी के रूप में मोहम्मद जी तफेल, जिन्होंने हाल ही में 17 और 19 वर्षीय राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी टूर्नामेंट करवाया था रावला मंडी अनुपगढ़ में, जिनके ऑर्गेनाइजर थे। टाइम आउट, 19-20 का स्कोर देखिए, मामूली अंतर जिसे कहते हैं। 19 है 2-2, जबकि 20 नागौर, एक अंक की बढ़त अभी भी, लेकिन ज़्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है। बढ़त धक्का देकर बाहर धकेला, क्या डिफेंडर सामने हैं, इंतज़ार करना होगा शिलाजी चौधरी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मोहम्मद जी तफेल के साथ लगातार गहरी चर्चाएँ, ईच पॉइंट हो सकता है शायद, बिल्कुल कॉमन पॉइंट दिया गया है दोनों को, पंछी की तरह दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए। आमतौर पे क्रिकेट जगत में देखने को मिलता है वाइड बॉल होता है, लेकिन यहाँ कबड्डी में देख लीजिएगा, फिर से कुछ चर्चाएं महत्वपूर्ण, संतुष्ट नहीं है शायद शिला जी चौधरी। रेडर बाहर गई हैं, तो पॉइंट एक और दिया जा सकता है दो को शायद, ईच पॉइंट दिया गया है। रेडर को बाहर जाना होगा, जबकि एक डिफेंडर भी बाहर गई है। 5 का डिफेंस, 20-21। कोमल
स्टार रेडर ऋषभ नागौर की ओर से लगातार प्रयासरत। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, 1 अंक की मामूली बढ़त 21 नागौर जबकि 20 है दूदू। कितना दमदार मुकाबला होनार प्रतिभावान बालिका इस वक्त राजस्थान प्रदेश के दो जिलों की आमने सामने। शिक्षा ही नहीं खेल जगत में भी कम नहीं। 5 के डिफेंस में दूदू 1 पॉइंट से बराबरी पे आ जाएगा। देखते कितना प्रयास है। बाल बाल बचे सेल्फ आउट से टच पॉइंट लेकर देखिए दूदू वापस बराबरी पे आता हुआ। जितनी तारीफ करें उतनी कम है ऑफिशियल्स की भी, चाहे वो शिलाजी चौधरी हो, उनके सहयोगी या फिर मैच रेफरी मोहम्मद जी तफेल। पारदर्शिता के साथ बिल्कुल बेहतरीन अंतिम 4 मिनट का इशारा आता हुआ। बोनस से स्कोर में वृद्धि अब 21-22। कोमल गुजर फिर से बेहद रोमांचक मोड पे मैच है। क्रूशियल टाइम है और ज्यादा आगे चले गए, यह बड़ी गलती इस वक्त है दूदू की राइडर कोमल की। नागौर की कोच इस समय कोचिंग देती हुई, क्योंकि बढ़त 2 पॉइंट की हो चुकी है जबकि समय 2.5 से 3 मिनट के आसपास है। इस महत्वपूर्ण समय और सही वक्त पे गाइडलाइन इस समय गुरु दक्षिणा, गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता, बखूबी जानती होगी कोच और खिलाड़ी। टाइम आउट का कितना फ़ायदा मिलता है, समय गुजारने की चाहत होगी लेकिन कई बार समय गुजारना महंगा पड़ सकता है। समय गुजारते इसमें बोनस की ट्राई के बाद बोनस अर्जित किया। अब 3 अंक की बढ़त 21-24 जबकि समय भी अब तकरीबन 2.25 मिनट के आसपास से इस लॉबी में है। सफल 22 पे पहुंचता हुआ 22-24 बिल्कुल शिलाजी चौधरी की नज़रें धोखा नहीं खा सकती। टाइम आउट दूदू, चर्चाएं बिल्कुल ऑफिशियल्स के बीच भी साझेदारियाँ होती हैं डिसीजन को लेकर, आई कांटेक्ट हो और उसी का या गहरी मंत्रणा। कोच इस समय राकेश जी शर्मा लगातार जो केएल कबड्डी एकेडमी दूदू में प्रशिक्षण देते हैं। 24-22 का स्कोर, दोनों टीमों ने दो दो टाइम आउट ले लिए हैं, टाइम आउट आवर और अब मैच कब आवर होता है देखते हैं। 2 अंक की बढ़त जीत के रूप में देखी जा सकती है अगर समय से गुजारा सुरक्षित गलतियों से बचा नागौर तो जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन दूदू कहीं ना कहीं जोखिम के लिए आगे जाएगा खासकर मैना। 2 मिनट से भी कम समय मैना वापस रेड पे, प्रयास टच पॉइंट की मांग की है। जी हाँ टच पॉइंट मिलता हुआ दूदू को 23-24 का स्कोर। अब सिर्फ 1 अंक पीछे है, क्या बोनस मिलेगा? डिफेंस मजबूत चाहिए पलटवार करने के लिए। 8 नंबर को अवसर है कवर करने का और यहाँ बाहर भेजने की कोशिश, ये बड़ी चुनौती इस समय। क्या राइडर सफल है देखते हैं शिलाजी चौधरी। बिल्कुल बड़ी राइड से अब कोच इस समय देखिए खुश, बोनस के साथ 4 पॉइंट यानी 5 पॉइंट। ये देखिए 1 तीर से 4 शिकार प्लस बोनस का उपहार, 1 रेड से खेल बदल गए। दूदू बेहद दबाव में, समय का भी प्रेशर इस समय, समय इंतजार नहीं करने वाला, अब जीत के करीब है नागौर। 1 पॉइंट उपहार में दें तो भी ज्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बढ़त 6 अंक की। बोनस से स्कोर में जरूर वृद्धि, सुपर टेकल ऑन और समय बिताना अब फितरत। समय गुजार कर वापस 29-24 और ये लीजिए 30 पे पहुंचता नागौर जबकि बोनस से 25 पे 25-30 5 अंक की बढ़त। समय गुजारते ही लगता खेल समाप्त हो सकता है। शेफ वापस लीजिए, इसके साथ ही समय समाप्त और यहां नागौर ने बेहद रोमांचक मैच में 30-25 के साथ
दुद्दू को पराजित किया है। जीत का जश्न देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं इस समय नागौर टीम का। गजब का खेल दिखाया टीम की कोच साहिबा भी काफी प्रसन्न है इस समय। एक यादगार छाया चित्र की सौगात में, वाह बहुत शानदार खेल दिखाया। हालांकि दुद्दू ने भी गजब का खेल खेला, मगर जीत यहां नागौर की। बहुत बहुत बधाई अगले मैच के लिए, अग्रिम शुभकामनाएं। नागौर बेस्ट ऑफ लक।